नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जेके क्लासेस में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था बिहार जीविका, जो फॉर्म आया था ऑनलाइन आवेदन जीविका का, अगर आपने कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरा था, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर की जारी हो चुका है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये आपको साइट ओपन कर लेना है, brlps.cbtexam.in, ठीक है दोस्तों। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कैसे आपको अपना एग्ज़ाम का आंसर की चेक करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। लाइन पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही सरकारी नौकरी की नई सूचना सबसे पहले पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल पर हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको प्रिपरेशन भी कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जीविका बिहार रूरल लाइव लेवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लेवलीहुड्स मिशन SRLM बिहार, अगर आपने फॉर्म भरा होगा CC का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक है दोस्तों, बिहार जीविका का। तो उसका आंसर की आ चुका है, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे ये ओपन कर लेंगे आप साइट brlps.cbtexam.in, तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया BRLPS 2019 ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट ओनली फॉर 3 सितंबर 2019 टू 9 सितंबर 2019 एग्जामिनेशन, 3 सितंबर 2019 से लेकर के 9 सितंबर 2019 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया 3 सितंबर 2019 से लेकर के 9 सितंबर 2019 के बीच में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, परीक्षा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर की जारी हो चुका है दोस्तों, ठीक है, आंसर की आपका आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं कितना आपका आंसर सही और कितना गलत है। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा है और डेट ऑफ बर्थ दिया है। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो उसमें जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा C करके मिला होगा, ये देखिए आगे का इतना नंबर है, बाकी यहाँ पे C लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो C लिखा हुआ है ना, C के बाद नंबर आप जो आता है उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, आपको C के बाद वाला नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें से आप मिला लीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, जो आपने आपका शिफ्ट होगा, ठीक है दोस्तों, जो भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ा होगा वो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा। उसमें से आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर की कितना सही हुआ है और कितना गलत है। चलिए मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहे हमारे साथ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया व्यू क्वेश्चन एंड ऑप्शन PDF, क्वेश्चन और ऑप्शन का PDF आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे इस पर व्यू क्वेश्चन एंड ऑप्शन PDF पे, तो आपका क्वेश्चन आंसर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहे हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा 3/9/2019 Shift 3, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, क्वेश्चन कोड, यहाँ पे देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ID यहाँ पे डालना है और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर आप किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर कोई शक है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर कोई आंसर आपने टिक किया है B और ऑप्शन C टिक हो गया है कंप्यूटर के कोई डिफॉल्ट के कारण, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। यहां पे रिमार्क में आप डाल सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम है, आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फोटो खींच के भी डाल सकते हैं आप 1 MB से कम, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहें, ठीक है दोस्तों। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा BRLPS कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर Set 3, जो Shift 3 है, Shift 1, Shift 2, Shift 3 में एग्जाम हुआ था वो Set 1, Set 2, Set 3 लिखेगा, ठीक है। देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन RAM इन कंप्यूटर सिस्टम इज बेसिकली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन पेपर आपको व्यू हो रहा होगा,
यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये नंबर वन और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपने चूज किया है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो दिया गया है, जो चूज किए हैं वो नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो आंसर इसमें नहीं दिया है, जो आंसर सही है वही इसमें दिखाया गया है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना PDF। अगर आपने एग्जाम दिया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का CC का, तो ठीक है दोस्तों, बिहार जीविका का जो फॉर्म आया था, अगर आपने एग्जाम दिया था CC का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, तो उसका आंसर की जारी हो चुका है, आज से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर की। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, करेक्ट आंसर दे दिया गया है, क्वेश्चन है वहीं पे करेक्ट आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही सरकारी नौकरी की नई सूचना और एग्जाम का रिजल्ट एडमिट कार्ड का हो आपको सबसे पहले देखने को मेरे चैनल पर मिलता है। धन्यवाद।